जॉइंट भाई और पहाड़ी भाई आईजीएल बेटर। पहाड़ी को तुम देखो मैं बताता हूँ, पहाड़ी को तुम आईजीएल की कैटेगरी में रख रहे हो तो मुझे नेडर की कैटेगरी में भी रखो है ना पहाड़ी? चुप, बिल्कुल चुप। मैं पहाड़ी के स्नाइपिंग, उसकी गेम प्ले, मैं सब चीजों की तारीफ कर लूंगा, मैं शक्ल की भी तारीफ कर लूंगा पहाड़ी की। और बताओ आईजीएल की तारीफ मतलब थोड़ी सी ना मुश्किल है पहाड़ी। कर दू झूठी तारीफ? क्यों नहीं पहाड़ी, पर हाँ बोल दे भाई। क्या हो गया? हाँ हाँ भाई बिल्कुल बोल दे भाई। अरे बैंड जहाँ मार करता वहाँ जोन कटता है बैंड, जैसे दो टीमों के फाइट हो रहे हैं, इसने मार कर दिया, यहाँ फाइट हो रही है वहाँ फाइट हो रही होती है। हाँ मैं तारीफ कर रहा था, एक सेकंड गाइस, अभी कंटिन्यू करेंगे, जस्ट अ सेकंड। ओके हाँ, जैसे पहाड़ी ने बोला बीमा शक्ति में फाइट हो रही है तो वही फाइट हो रही होती है। ये पहले टीम बता देते हैं कि टीम की फाइट होने वाली है, रीड कर रखा है ना आईजीएल ने कि अब ये होने वाला है नेक्स्ट, समझ रहे हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अगर हमारा आईजीएल मतलब वैसे क्या होता है, सारे आईजीएल शांत दिमाग के होते हैं, हमारा आईजीएल क्या है, इसने उंगली करी इसी को मारो, टूर्नामेंट क्या क्या टूर्नामेंट कुछ नहीं, थर्ड पार्टी इवेंट ऑफिशियल थोड़ी है, मारो साफ सरल सिर्फ मारो, मर जाओ कोई नहीं, दो गाली खा लो पर चुपचाप रहने की गाली खाओ। आई एम सॉरी बाबू, गलती बात है, तुमने उल्टा बोला तो सिर्फ एक बात सुनने को मिलेगी, यार तू बहस मत करा कर। और कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बहुत मजा आता है जेल में इसकी ए भाड़ी मैं इतना सच भी नहीं बोल रहा था भाई यार, और 2000 तारीख कर दूं चलो भाई, मतलब जब हमारे आईजीएल के पास स्नाइपर आ जाता है तो स्नाइपर क्या होता है, सबऑर्डिनेट होता है, हमारा स्नाइपर रशर बन जाता है, आगे जाके खड़ा हो जाएगा, चार बंदों के बीच हमें कॉल देगा जो भाई थोड़ी जल्दी आ जाओ हमारे मेरे पास, और तब तक इसके शॉट में बंदे आ जाएंगे मार के चले जाएंगे, फिर ना टूवी को कोसेगा कि भैंचे हमें टूवी मर जाते जब आती है मर जाता हूँ। और दिक्कत ये है ना कि जब हमें टूवी आती है तो भी आगे चला जाता है, मतलब अभी तो कुछ दिनों से हमें चिल्ला चिल्ला के कॉल देता है भाई आगे आ जाओ, मैं आगे हूँ, आगे आ जाओ भाई मैं आगे हूँ, मेरा काम पीछे रहने का, अभी कुछ दिन से ऐसा चल रहा है और ऐसा ही चलेगा अभी भी, चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा भाई। देखा आईजीएल हम थे, मैं भी आईजीएल था, माने या ना मानो मैं था आईजीएल, ठीक है, मैं खुद का आईजीएल था, मतलब खुद को लीड करता था बस भाई। पता है कई बार मेरे सीन हुआ है, जैसे कि मैं ना एक बार क्या हुआ था, पीले टावर के ऊपर चढ़ा हुआ था और मेरे साथ एक बंदा था, उसकी 2 HP थी, मेरी 20-40 HP थी, तो गिरने से एलिमेंट हो जाता मैं, तो मेरे को ना कॉल आया जैसे सीधा कूदा, सीधा 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 कूदना, तुम सब पूरी जनता हमें देख रही है, तो सीधा कूदने का मतलब होता है सीधा ऐसा कूद जंप खत्म, मैं कूदा मैं मर गया, चूतिया चूतिया बंदा भाई, मतलब इसका इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है इसका क्या था, मुझे लगा तुमने दूसरा टीम में नीचे भेजा हुआ, कहता सीधे का मतलब वो नहीं, अगर पगले येलो क्रेन के नीचे जब उतरने का नहीं होता फिर सीढ़ियां होती है वहां से ऐसे सीधा मगा वो, ये भी ठीक है लेट चल रहे थे, गलत कॉल दे दी तेरा, तेरी माइंड पावर कम है, ओ सुनने की पावर कम है, हां देखा मेरी सुनने की पावर कम है, और अभी जो हमें समझने की पावर कम है ना, समझने की हमें भाई, अभी जितने लोग पहाड़ी को देख रहे हो तुम सब ना समझो, बस एक पहाड़ी समझदार है इधर। एक बात बताता हूँ गाइस, इसके महीने वाली बात है, इसको एक महीने में समझ आया कि मैं लेने लायक टीम में, और मुझे अभी जाके समझ आया कि आईजीएल लायक नहीं है। जब मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं एज अ सपोर्टर भी खेल सकता हूँ, और आईजीएल इतना कोई बड़ा काम नहीं है, उसके लिए बस मेरे को सपोर्टिंग छोड़नी पड़ती, स्नाइपर छोड़नी पड़ती, और वो आईजीएल बहुत ही पागल हो गया, तुझे क्या बोलता है तो तेरे को कुछ समझ में आता है तो कुछ भी बोल देता है, मैं टॉन्ट मार रहा हूँ कि बैठ जाओ यहाँ आईजीएल लीजिए।